आइए फ्रेंड्स, हम अपने इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये मैंने सूखा हुआ आंवला लिया है, 5 गुड़हल के फूल हैं, 20 से 25 कड़ी पत्ते हैं, मेथी दाना है, कलौंजी के बीज हैं। ये मैंने पैराशूट का कोकोनट ऑयल लिया है, ये 200 ml की बोतल है। सबसे पहले हमें अपने ऑयल को लोहे की कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेना है। लोहे की कढ़ाई में आप ऑयल बनाएंगे तो ये ज़्यादा फ़ायदा करेगा, क्योंकि इसमें आयरन होता है तो आपके ऑयल में आयरन भी मिक्स हो जाएगा। अब हम मिलाएंगे 2 tablespoons कलौंजी के बीज, 2 tablespoons मेथी दाना। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूखा हुआ आंवला, ये 4 to 5 tablespoons आंवला है। अब इसमें हम अपने गुड़हल के फूल ऐड कर देंगे, कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे। अगर आपके पास कड़ी पत्ता नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, या सूखे हुए कड़ी पत्ते यूज़ कर सकते हैं। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई की हाइट बढ़ाने के लिए एक स्टैंड के ऊपर दूसरा स्टैंड रखा है, क्योंकि हमें इसे लो फ्लेम पे बॉईल करना है। अब हमारे ऑयल में हल्का हल्का बॉइलिंग स्टार्ट हो गया है, हमें इसे 10 to 15 minutes तक बॉईल करना है। आप इसका कलर भी चेक कर सकते हैं, जब कलर चेंज हो जाए तो आप फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए। अब हम अपने डाले गए इंग्रेडिएंट्स को सेपरेट कर लेंगे। आप छन्नी की हेल्प से इन दोनों को अलग कर सकते हैं। पूरे ऑयल को छान लीजिए, आप देख सकते हैं ऑयल का कलर चेंज हो चुका है। और ये हमारा बचा हुआ मटेरियल है, ये बहुत काम का है, इसको हमें फेंकना नहीं है। अब मैं ऑयल में कैस्टर ऑयल मिक्स करूँगी 2 tablespoons, ये गुड वाइफ्स का कैस्टर ऑयल है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें एसेंशियल ऑयल ऐड करेंगे, मैं गुड वाइब्स का एसेंशियल ऑयल ले रही हूँ, ये फ्रेग्रेंस के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। मैं 5 to 7 drops एसेंशियल ऑयल मिक्स कर रही हूँ। इनको मिक्स करने के बाद इसको आप एक कांच की बोतल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आपको इस ऑयल को कांच की बोतल में ही स्टोर करके रखना है। अब हमारा ऑयल रेडी है। अब जो हमारा बचा हुआ मटेरियल था उसको हम अच्छे से हाथों की सहायता से प्रेस कर करके अपने बालों में यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारा ऑयल रहता है बचा हुआ। या तो आप इसको सुखा कर हल्का सा ग्राइंड करके मेहंदी में मिक्स करके अपने बालों में लगा सकते हैं।